ये सामने शिप का गेट आ गया है और हम कर रहे हैं एंट्री। ट्रक के ऊपर ट्रक है ये देखिए साइड। ये हमारा कैबिन है, दो बेड हैं यहाँ पे। हमने लाक्टन ओके अलविदा बाय बाय फिर आएंगे जल्दी और तुमको मिलेंगे। तो नीचे कैफे से मैं गया था, ये कॉलीफ्लावर के जैसे पकौड़े नहीं होते हमारे वैसे ले आया हूँ। ये जो पक्षी उड़ रहा है ना समंदर के पास पास, ये मछली के लिए फिशिंग करता है, फिशिंग ढूंढ रहा है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हैं हम न्यूजीलैंड के साउथ आइलैंड के पिक्टन शहर में और आज हम जा रहे हैं साउथ से नॉर्थ आइलैंड में न्यूजीलैंड के ही। तो हमें फेरी के थ्रू जाना पड़ेगा, हम गाड़ी भी उसमें ले जा रहे हैं। तो अब हो चुका है जी टाइम 12:22 का और 2 बजे हमारी जो फेरी है, हमने सोचा कि चलते हैं, 1 घंटा पहले तो वो बंद भी कर देते हैं 1 बजे तो चेक इन गाड़ियों का। तो अब जा रहे हैं हम फेरी की ओर। लो जी, उनके टर्मिनल पे पहुंच चुके हैं और लार्ज व्हीकल लेफ्ट साइन लेफ्ट लेन, कैंपर वैन जो है और व्हीकल जो पैसेंजर वाले हैं राइट लेन। लेफ्ट लेन उधर होगी ना, लार्ज अपन ही कहते हैं ना। आप लार्ज में आ जाएंगे तो मेरे ख्याल से इसमें रखते हैं अब, बाकी वो गाइड कर ही देंगे। तो इंस्ट्रक्शंस काफ़ी क्लियर रहती हैं, 2 लेन बना रखी हैं, दूर से ही लिख के रख दिया है। 1 लेन जो है छोटी गाड़ियों के लिए है, 1 लेन है कैंपर वैन के लिए। तो हम हैं बड़ी गाड़ी कैंपर वैन में, तो हम इस लेन में हैं। हेलो, लास्ट नेम इज कुमार, KUMAR। यस, तो आपको ना अपना बस लास्ट नेम बताने की जरूरत है इनको, ये काउंटर पर जो लेडी बैठी हैं, और अपने आप आपकी पूरी डिटेल्स निकाल के आपको आगे जाने दे देंगे। हमें उन्होंने लेन 3 में लगा दिया है जहाँ पे ये कैंपर वैन वगैरह का है। तो लीजिए यहाँ पे आप लगा लेते हैं। अब यहाँ से हमें वो गाइड करेंगे जब उनका ओपन होगा वो शिप का दरवाजा, और यहाँ से हम निकलेंगे। ये उन्होंने पर्ची भी दी है, एक हमारा कैबिन इस बार भी बुक किया है। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, कैबिन में आपने देखा होगा अगर वेलिंगटन वाला वीडियो, तो जाकर पीछे देख लेना अगर नहीं देखा। तो कैबिन हमने बुक किया था, बहुत ही आराम रहता है बच्चों के साथ अगर कैबिन है, क्योंकि बाहर सीटिंग है, आप बैठे रहते हैं 3-3.5 घंटे, फिर गाड़ी से भी आप ट्रैवल, जैसे हमने आगे जाना है वेलिंगटन तो 4 घंटे फिर बैठना है। तो अगर कैबिन है आपके पास, चाहे वो डबल ही है, उसमें आप लेट सकते हैं, आराम कर सकते हैं, आपका पर्सनल टॉयलेट बाथरूम आपके पास है, और कैबिन ज्यादा महंगा भी नहीं है, $45 है बस एक्स्ट्रा। हमें 40-50 मिनट वहां पे रुकना पड़ा, इससे अच्छा तो शहर में ही और घूम लेते या कुछ देख लेते। तो वहीं पर उन्होंने 40-50 मिनट रुका के रखा, उसके बाद अब इन्होंने शुरू की है जो चेक इन है। अब जाएगी सीधी गाड़ी जो है शिप में, शिप हमको बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है, तो शिप में हमारी गाड़ी की एंट्री हो जाएगी। उसके बाद हम जो गाड़ी लगाकर ऊपर जो कैबिन बने हुए हैं उस तरफ चले जाएंगे। अगर आप पहली बार भी सफ़र कर रहे हैं फेरी में वेलिंगटन से पिक्टन या पिक्टन से वेलिंगटन, तो डरने की कोई बात नहीं, जगह जगह इनका स्टाफ है और बहुत ही हेल्पफुल है वो। ये है जी बिल्कुल सामने शिप और सीधी गाड़ी जाएगी अंदर ड्राइव करके। तो इनका जो सिस्टम है ना काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मुझे पसंद आया। अलग अलग गाड़ियों को अलग अलग लेन में पहले ही लगा देते हैं, और अगर प्राइस की बात करूँ तो न्यूजीलैंड के हिसाब से काफ़ी एक्सपेंसिव नहीं है। मुझे अगर मैं बताऊं, अगर बच्चे ना हो, फैमिली ना हो, गाड़ी ना हो, तो $80-100 एक तरफ एक साइड की टिकट रहती है, तो आसानी से आप परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन परचेज हो जाती है। ये सामने शिप का गेट आ गया है और हम कर रहे हैं एंट्री। आप देख लीजिए 2 दरवाजे हैं, एक ऊपर की ओर जाता है और एक नीचे की, हम जा रहे हैं नीचे वाले डेक पे आ रही है, और शिप में हमारी हो चुकी है ऑफिशियली एंट्री गाड़ी के साथ। आप देख लीजिए सामने कितने ट्रक जो हैं पहले ही लगा दिए जाते हैं ट्रक, क्योंकि बड़े बड़े होते हैं, कितने बड़े बड़े ट्रक को ये फेरी है जो लेकर चलती है अपने साथ। देखिए कितना जो लोड है, कितना अपने साथ ये लेकर चलती है आसानी से। तो जो मैं आपको बता दूं, नेपियर कह रहा हूँ कि पिक्टन से अगर वेलिंगटन का जो रास्ता है 93 किलोमीटर्स, और इसको लगने वाले हैं 3.5 घंटे, और ये पार्किंग का समय और निकालने का समय वो अलग से है। इस साइड एक ट्रक खड़ा हुआ है, ये तो पूरा गाड़ियों को ही लेकर जा रहा है, 2 कारें हैं इस पे और एक छोटा ट्रक के ऊपर ट्रक है ये देखिए इस साइड।
गाड़ी हमारी हो गई है पार्क, चलो अब चलते हैं ऊपर शिप की ओर। Just letting you know, you are on deck 3 right now. Deck 3? Yep, you're going to deck 5. Mm-hmm. And you just need to follow the big line over there. Thank you. गाड़ियां हमारी यहाँ पे लग चुकी हैं। देखिए ट्रक के ऊपर ट्रक जो बताया था, तो ये है डेक 3। अब हमें जाना है डेक 5 पे ऊपर चढ़ के। जेलो लाइन तो धरना पता। एस्केलेटर पे हम चढ़ चुके हैं भाई, इस बार एस्केलेटर भी हमको दिखाई दे गया है, तो अच्छी बात है, नहीं तो हार्ड हो जाता जैस के लिए जी। ये कैफे बार सीटिंग व्यूइंग एरिया यहाँ पे है, और हमारे जो कैबिन्स हैं वो ऊपर की तरफ हैं। इधर आ जाओ भाई, लेट्स गो, वी गो टू कैबिन फर्स्ट। देखो तो इस साइड में आपको दिखा दूं, मैंने लास्ट वीडियो में प्रॉपर आपको दिया ही हुआ है, सेम ही फेरी है, इस साइड सीटिंग एरिया है और सामने बार कैफे वगैरह है उस साइड पर, हम जा रहे हैं कैबिन। तो क्विकली आपको दिखा देता हूँ, ये सीटिंग एरिया है। पिछले वीडियो में हमने डिटेल में बताया था, जब हम वेलिंगटन से पिकटन आए थे, तो देख लीजिए ऐसा लगता है ये एरिया। तो अगर आपने कैबिन बुक नहीं किया तो आप इस एरिया में बैठ सकते हैं। है अपने कैबिन की तरफ, और ये देखिए कैबिन एरिया है ये, तो हमारा ये कैबिन है, हमें यहाँ से ओपन करना होगा। चलो ये हो गया, पुश हार्डर बेटा। यस जल्दी, तो देख लीजिए जी, फिर कैबिन, दो बेड का कैबिन है, इस साइड हमारे टॉयलेट हैं। तो ये हमारा कैबिन है, दो बेड हैं यहाँ पे, हमने लास्ट वीडियो में भी दिखाया था, फिर देख लीजिए। तो यहाँ पे इन्होंने वो बना रखे हैं कपबोर्ड, टॉयलेट पेपर ऊपर है, और पर्सनल शावर और टॉयलेट है। अगर आपने शावर नहीं लिया तो यहाँ पे आकर ले सकते हैं। और क्या चाहिए जिंदगी में, कैबिन और ये व्यू बाहर का देख लीजिए। ये दूसरी फेरी खड़ी है इंटर आईलैंड वालों की बाहर हमारे कैबिन के। और ये सहज और मैं, सहज देखिए गोइंग होम। तो ये है जी पिकटन का पोर्ट, जो जब फेरी निकलती है तो ऐसा दिखाई देता है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो पिकटन उस साइड रह गया है, तो हम पिकटन को छोड़ के अब वेलिंगटन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये पूरा पहाड़ों में घिरा हुआ है, तो शिप देखिए हमारा इस साइड आगे की ओर बढ़ रहा है। पानी का कलर देख लीजिए आप, सी ग्रीन ही है वो। तो पिकटन ओके, अलविदा, बाय बाय, फिर आएंगे जल्दी और तुमको मिलेंगे। तो सहज और मैं अब जा रहे हैं ऊपर के डेक पे, वहाँ बैठने के लिए बना हुआ है, वहाँ पे बैठते हैं थोड़ा समा। वी गोइंग अप, मैं और सहज आकर बैठ गए ऊपर यहाँ पे, और ये जा रही है फेरी, देखिए चल पड़ी है अभी। सहज हैव अ टू लॉलीपॉप्स, है ना जी? हाँ जी। लुक इट टू वाटर, यस, वन मोर फेरी कमिंग, लुक, वहाँ पे एक फेरी और आ रही है, मैं दिखाता हूँ। यस, ये देखिए। हाय टू फेरी, वन टू फेरी पापा। तो देखिए पिकटन वो रह गया जी, पिकटन पहाड़ों के बीचों बीच है पिकटन, और हमारी फेरी है अपनी रफ्तार से चल रही है। जैसे कि मैंने बताया ये है 92 किलोमीटर वेलिंगटन टू पिकटन, और आप देखिए एक और फेरी आ रही है सामने, वो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये आ रही है एक और सामने से, ये देखिए ये बैक साइड पे आ गए हम, यहाँ पे कार्स वगैरह रुकी हुई हैं, और पीछे ये जो बिल्कुल बैक साइड है, रियर साइड ऑफ द शिप आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो लास्ट टाइम ये जो एरिया है ना, यहाँ पे सिटिंग जो डेक बड़ा सा बना हुआ है वो मिस हो गया था, लेकिन सस्ती बहुत है, और सहज है कि हमेशा मेरे साथ ही, और सहज है कि हमेशा मेरे साथ ही पीछे आना चाहती है। ये देख लीजिए ऐसे शिप दिखाई देता है, और यहाँ पे लाइफ बोट्स हैं, हम काफी ऊपर हैं, और मेरे ऊपर बस एक ही मंजिल बची है, शायद ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है यहाँ पे, और हम सबसे ऊपर। हाँ जी,
तो नीचे कैफे से मैं गया था, ये कॉलीफ्लावर के जैसे पकौड़े नहीं होते हमारे वैसे ले आया हूँ। $13.50 के दो सॉस दी है उन्होंने नाल, और ये वेगन पाई मिल गई है। तो वैसे कोई ऑप्शन नहीं थी वेजिटेरियन के लिए, तो चीज़ चीज़ मैंने मुझे लगा कि मुझे खिलाया जाएगा, चलो कोई बात नहीं। तो पकौड़े जैसे ही हैं बिल्कुल, है काफी एक्सपेंसिव, लेकिन अभी दो दो मिल गए खाने को, तो ये कैफे से नीचे से लेकर आया हूँ। ये जो पक्षी उड़ रहा है ना समंदर के पास पास, ये मछली के लिए फिशिंग करता है, फिशिंग ढूंढ रहा है, फिश ढूंढ रहा है, और बिल्कुल समंदर की सतह पे उड़ रहा है। अगर जैसे इसको कुछ फिश दिखी तो ये निकाल लेगा। तो सहज ने करा लिया है फेस पेंट यहाँ से। सहज लुक लुक इन द ग्लास, यू लाइक इट, लेट्स गो नाउ। यहाँ पे क्रूज शिप में बच्चों के लिए ना पेंटिंग वगैरह की फैसिलिटी भी रहती है फेस पेंट की, तो सहज ने भी यहाँ से करा लिया, आपने देखा होगा। हाँ तो आ गया हूँ जी कैबिन में, बाहर सर्दी बहुत हो गई थी, और सहज भी आ गई है जी, देखिए। तो मिलते हैं आपको, कुछ करते हैं कुछ समय आराम, अभी 2 घंटे और पड़े हैं वेलिंगटन आने में, तो 2 घंटे बाद आपको अगर बाहर गए तो कुछ दिखाएंगे, नहीं तो अब करते हैं आराम, क्योंकि उसके बाद 4 घंटे की ड्राइव भी करनी है घर तक।